वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब. ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमने आपको अवेयरनेस दी और डेफिनेटली इस टॉपिक को बार बार हम डिस्कस करते रहेंगे. अक्टूबर वैसे भी मंथ है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से. अभी हम जो आज सोशल इशू एक डिस्कस करने वाले हैं उस पर हम बार बार बात करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है और अभी भी इस पढ़े लिखे माशरे में जिसको हम कहते हैं कि हम बहुत तरक्की याफ्ता पढ़ा लिखा महज़ब माशरा, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें अभी भी इंटैक्ट हैं और इनकी जो वजूहत हैं वो अभी भी वही हैं जो कहीं बहुत सालों पहले हुआ करती थी. अब बेटी अल्लाह ताला की रहमत है और बहुत सारे लोगों के लिए ये ज़हमत भी बन जाती है. वह ज़हमत किस तरह से होती है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, लोगों के रवैये कैसे होते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे. उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सबा शबी शेख जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और आमिना मलिक जो कि सोशल वर्कर भी हैं और मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ को हमारे साथ डिस्कस भी करती हैं, उसको हाईलाइट भी करती हैं. दोनों को वेलकम करेंगे. कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. डॉक्टर आमिना, सबसे पहले तो मैंने कहा कि बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है और बहुत सारे लोग उसको ज़हमत बना लेते हैं. ज़हमत तो बिल्कुल भी नहीं होती. मैं जब भी अपनी बात शुरू करती हूँ ना उसमें मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि अल्लाह पाक ने जब इंसान को बनाया, मर्द और औरत को तफरीक से बनाया तो दोनों को बहुत खूबसूरत बनाया. और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने कहीं पर भी, अगर बेटियों की बात की जाए, औरत की बात की जाए, तो अल्लाह पाक ने कहीं भी अपने आप को मर्द से ममासलत नहीं किया. उन्हें ये कहा कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी कि औरत की जो जेंडर है उसको चुना अपने आप को तशबीह देने के लिए. तो बेटियाँ जो है वो, मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ कि माँ बाप इसलिए ज़रा परेशान हो जाते हैं, ये हमारी सोसाइटी की क्रिएट की हुई कुछ चीज़ें हैं. जब लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और बेटियों को बोझ उस वक्त समझना, और वाकई गरीब के लिए एक बेटी बोझ ही है. जब हमारी सोसाइटी में जहेज का स्टैंडर्ड हाई होगा, जब हमारी सोसाइटी में इस बात का स्टैंडर्ड हाई होगा कि जी बेटी आ गई है तो इसको इतना कुछ दे के जो है वो दूसरे घर में भेजना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को, उन टैबूस को तोड़ना पड़ेगा. जब तक हम उनको नहीं तोड़ेंगे बेटियाँ बोझ ही लगेंगी. लेकिन आप यकीन जानिए कायनात में सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो औरत है, वो बेटी है. क्योंकि वो माँ के रूप में भी है. मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा बताया कि औरत का बच्चे को पैदा करके माँ बनना को बड़ा फेल नहीं है. अगर वो उसके औलाद नहीं भी है तो यकीन करें उसकी ममता तो उस दिन शुरू हो जाती जब वो होश संभालती है, भाई को भी पालती है, फिर बाप के भी कपड़े इस्त्री करती है, खाना बना के देती है, फिर अपने दूसरे जो अपने शौहर के घर जाती है उसकी खिदमत करती है. तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपनी सोसाइटी के उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, उनको एजुकेट करके, और माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि हमने हमारे जहन के किसी गोशे में ये चीज़ बैठ गई है कि बेटियां जी पराया धन होती हैं. हालांकि वो पराया धन नहीं होती, वो अपना ही धन होती हैं. बेटियों का कोई हक नहीं रहता फिर माँ बाप के. और वाकई मुझे ना एक दफ़ा किसी ने बताया कि जब शादी हो जाती है बेटियों की तो उसके बाद जब वो अपने घर वापस आती है ना तो वो दीवारें भी अजनबी लगती हैं, अलमारियाँ खोल के देखती हैं तो कहती हैं अच्छा कभी हम यहाँ भी रहते थे इस कमरे में. तो क्योंकि बचपन से ही उसको इस तरह समझाया जाता है ना. तो बेटियों को इतना पावरफुल और स्ट्रांग करना है, पावरफुल और स्ट्रांग करना है हमें कि वो बोझ ना बने, वो बोझ बांटने वाली बने. जबरदस्त. ताकि सब अभी हम ये टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हम अपनी एक सोसाइटी के ऊपर साइकी की बात करते हैं क्योंकि नॉर्मली ये साइकी हर जगह पाई जाती है चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है. हमारे यहाँ बेटी को इस तरह से इतना एक हवा क्यों बनाया जाता है? बेसिक बात यह है कि जो मैं फील करती हूँ बेटी की हिफाजत बहुत ज़्यादा है. मतलब एक मुआशरे में आपको चलते हुए माँ बाप को ये जहेज और ये चीज़ें तो बाद में आती हैं लेकिन जो मैं लोगों को ज़्यादा देखती हूँ वो बहुत डरे हुए हैं. जैसे हमारे मुआशरे में हरासमेंट अब्यूज़ इतना ज़्यादा है तो अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं बहुत डरी हुई फीमेल्स यूजुअली कि हमें समझ नहीं आती है बेटी की मतलब जैसे पैदाइश होती है. मैं जब सुनना शुरू करती थी मुझे लगता था कि शायद ये बेटी और बेटे के डिफरेंस से डर गए हैं लेकिन बात ये है कि लोगों में ये हरासमेंट अब्यूज़ भी एक बहुत ज़्यादा डर पैदा कर गया है कि बेटी की हिफाजत बहुत मुश्किल है. यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों को इतना देखा वो इतना डर जाते हैं कि सर्वेंट्स के पास नहीं छोड़ सकते और घर में जो मेल्स हैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. कुछ लोगों की कह रही है कुछ लोग बिल्कुल ही छोड़ के चले जाते हैं. हाँ ये चीज़ भी है. और वही बात आ गई ना कि जब हम एक तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन और एक बिल्कुल छोड़ देना तो ये दोनों चीज़ें बेटी के मामले में बहुत ज़्यादा
मैटर करती है. मतलब एक तरफ हमें हिफाजत करनी भी है और हम नहीं कर रहे, और एक तरफ हम बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि वो बच्ची बिल्कुल उसको समझ ही नहीं आ रही कि सोसाइटी में एडजस्ट कैसे होना है. इसी तरह से देखा जाता है ना, जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं तो बच्चे जो होते हैं वो थोड़े बहादुर हो जाते हैं, लड़के हैं, और वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं. लेकिन लड़कियां जब निकलती हैं तो वो इतनी शाये होती हैं, उनसे बोला नहीं जा रहा होता, और वही उनकी सारी प्रेजेंटेशन जो है वो सारा कहाँ से चलता है, वो घर के माहौल से चलता है. दूसरा, हमारे मुआशरे में एक चीज ये भी है कि बेटी को हम शुरू से ही दबता हुआ रखते हैं, मतलब जो कि गलत बात है. जब भी वो कोई चीज बोलने लगती है कि नहीं नहीं तुम नहीं बेटा बताएगा, तो ये जो प्रेफरेंस है बेटे को देना और बेटी को हटाना, ये अभी भी हमारे मुआशरे में मोर देन 90% है. मतलब आप इलीट क्लास को देख लें या लोअर क्लास को देख लें, तो दोनों में अक्सर औकात मुझे सेम नजर आ रही होती है. मतलब ये कहा जाता है ना, ये बहुत गांव के लोगों की सोच होगी, लेकिन नहीं, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे घरानों में भी ये सोच है कि इसने तो कहीं और चले जाना. यहाँ तक कि जब एडमिशन्स के मामलात आते हैं, आगे पढ़ने के मामलात आते हैं, बेटी को पढ़ाने की बात आती है, तो कहते हैं ये इसने तो किसी और के घर में चले जाना है, तो इसको हम इतनी एजुकेशन और इस पर इतना पैसा क्यों लगाएं. लेकिन ये डिफरेंस बहुत गलत है. वही चीज़ बच्चियों को कॉम्प्लेक्स का शिकार करता है, और वो जब किसी और के घर में ससुराल में जाती हैं, वहाँ जाके उनसे मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती. अक्सर अभी हम केसेस देखते हैं कि शादी के बाद बहुत सारे केसेस लड़कियाँ रिपोर्ट होती हैं कि डिप्रेशन में चली गई, फोबियाज में, या किसी ना किसी सख्ते का शिकार होगी, क्योंकि वो पीछे से इस तरह से ट्रेंड थी, बहुत दबा हुआ, प्रेशराइज, और वही उनको ससुराल के माहौल में मिला कि ना वह बात कर पा रही हैं ना कुछ कर पा रही हैं. तो बेसिक बात यह है कि जैसे हम अपने बेटों को कॉन्फिडेंस देते हैं वैसे ही हमें बेटियों को देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जहन में ये है कि ना तो इन्होंने हमारे साथ रहना है, दूसरा ये एक प्रेशर है, तीसरा कि इनकी हिफाजत कितनी मुश्किल है. और मैंने अक्सर ये भी देखा है कि पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो प्रोमिनेंटली डिफरेंट होता है. पता चल रहा होता है कि ये बेटी के साथ कितनी चीखो पुकार करके और बेटे को बहुत प्यार से पास लाना, जबकि देखा जाए जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बेटियां ज्यादा पेरेंट्स का एहसास करती हैं. नो डाउट, ये तो अमना तो बिल्कुल कहती रहती है. अमना, एहसास बेटियों में ज्यादा होता है? बेटियों में बहुत एहसास होता है. हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहनें. अच्छा. हमारा एक भाई है और अल्लाह उसको सलामत रखे, बड़ा ताबेदार है. लेकिन आप यकीन कीजिए कि हमारे वालिद ने हमें इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि वो हमेशा सोचता रहता था कि पता नहीं इनसे ज़्यादा प्यार होता है ना, कि वो हमारे घर में तो बेटियों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे फादर माशाल्लाह, कि समटाइम्स तो मेरी पुप्पो और मेरे रिलेटिव्स परेशान हो जाते थे, लो भाई बहुत भैया तुम तो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हो, इन्होंने तो एक दिन घर अपने अपने घरों में चले जाना. उनका जी मैं अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन, और हमें देखिए मेरे माँ बाप की तरबियत और मेरे बाप की तरबियत ये बोल रही है जो आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ. ये माँ बाप की सपोर्ट के बगैर कभी भी नहीं हो सकता. फिर मेरी किस्मत बहुत अच्छी कि मुझे जीवन साथी भी ऐसा मिला जिसने मुझे हमेशा ये बताया घर की चार दीवारी में भी कि मेरे जितने हकूक हैं तुम्हारे भी उतने हैं. तो मैं बाहर निकल के ये क्यों ना बताऊं कि मुझे हकूक देने वाला एक मर्द, पहले मेरा बाप और फिर मेरा शौहर. लेकिन यहाँ पर मैं एक बात को कॉन्टेक्ट में लेके आऊंगी. जमाना जहल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पीछे सैर करके आते हैं थोड़ी सी. जमाना जहल में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, क्योंकि वो उस वक्त बेटियां जिन्स थी, एक माल थी, मंडियों में फरोख्त होती थी. हमें रास्ते बताता है दीन, कोई भी दीन आप देख लीजिए, एक तो वो अमन की ही का ही दर्श देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूक हमें इस्लाम देता है वो कोई मजहब और दीन नहीं देता. हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम जब आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बेटियां जो हैं वो कितनी मोहब्बत भरी हैं, अपनी बेटी से मोहब्बत करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि बेटियां कितनी अफजल होती है, उसके लिए अपनी चादर तक बिछा रहे हैं. तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बताया कि औरत और बेटी कितनी अफजल है. यकीन कीजिए एक अरब की 8 या 9 बेटियां थी, और वो उनको करीब भी नहीं आने देता था कि वो अपने बाप के करीब जाती, वो सहमी बैठी, और वो बेटियों को जिंदा चीखती चिल्लाती पैदा होती बच्ची को दफन करते थे. हमारे इस्लाम ने हमें बताया कि बेटियां, उसके बाद आहिस्ता 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 वक्त चेंज हुआ, जमाना जो है वो और तब्दील हुआ और तब्दील हुआ. अब बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली, हरासमेंट, हरासमेंट हर दौर में है. औरत एक ऑपोजिट सेक्स है, उनका जो अट्रैक्शन है वही हरासमेंट है सबसे बड़ी. आप ये नहीं कह सकते कि औरत, जब तक औरत का वजूद है और मर्द का वजूद है वो हरासमेंट खत्म नहीं है, उसके ऊपर लॉज बना लें, उसको जितना मर्जी आप समझा लें. आजकल की औरतें क्यों परेशान हैं, अपनी बच्चियों को मुलाजमों के पास नहीं छोड़ रही, इसलिए कि उनकी तरबियत में कमी है. हम भी तो बैठे हैं, आप भी तो यहाँ पे बैठी हैं. मैं नहीं समझती कि कोई किसी को किसी की मर्जी के बगैर हाथ भी लगा सकता है, लेकिन जो छोटी बच्ची हैं उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है.
माएँ जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी, वो इन्फॉर्मेशन लेंगी, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि औरत भी आजकल की सोशल है, वो समझती है कि बच्चा पैदा करने के बाद उसको अच्छे स्कूल में भेजना, उसके ऊपर बहुत ढेर सारे पैसे लगाना, उनको वेकेशंस पे लेके जाना, ये तरबियत है नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी बड़ी बाजी ने मुझे क्या बात समझाई थी, बिलीव करें आज तक वो बात मेरे जहन में। मेरी बहन ने मुझे क्या समझाया था कि तुम एक लड़की हो, ये लड़के होते हैं। उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये वो डिफरेंट चीज़ है, वो एक खलाई मखलूक है और तुम जो हो तुम्हें ज़रा कॉर्नर पे रहना है। उसने कहा कि हमने दो एग्जिस्ट करते हैं, हम इस सोसाइटी के अंदर, इस ग्लोब के अंदर, इन दो चीज़ों से मिलके कायनात बनती है, दुनिया बनती है। ना मर्द को निकाला जा सकता है, औरत को, लेकिन हम दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तुम अपनी लिमिटेशन में जब तक रहोगी जिंदगी खूबसूरत रहेगी, वो अपनी लिमिटेशन में रहेगा। देखिए समझाने के लिए अल्फाज ही बहुत होते हैं, हम किताबों के सहारे लेते हैं जिंदगी गुजारने के लिए। दीन के करीब हो जाएं और वो रास्ता इख्तियार करें कि जो आपको भलाई की तरफ लेके जाए। मैं बार बार इस पर जोर इसलिए दे रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, हमने उनको ओन करना है, हमने बताना है अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को। आजकल इतनी मॉडर्नाइजेशन है, कि बच्चियाँ अपनी पसंद का लिबास पहनती हैं, बच्चियाँ ड्रेसिंग अपनी पसंद की करती हैं, बच्चियाँ माशाल्लाह और भी बहुत कुछ करती हैं। मतलब उनको नई नई चीज़ें, नई नई दुनिया देखने को मिल रही है, वो यूनिवर्सिटीज जा रही हैं, एक्सपोजर बढ़ गया ना, एक्सपोजर बढ़ा है और वो साथ साथ खुश हो रही हैं। मैं तो उनके चेहरे पे जो तमानियत देखती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बात मैं आपको बताऊँ, बेटियाँ कभी भी माँ बाप पे बोझ नहीं है, वो लड़के वाले कह लीजिए, सहल जबान में बोलूँगी, वो बनाते हैं आपकी बेटी को बोझ। बड़े घर का रिश्ता, मेरे पास बहुत सी लेडीज आई है, मेरी बेटी है डॉक्टर, मेरा बेटा है डॉक्टर, तो आमना पैसे कीजिए कि कोई अच्छे खाते पीते घर की बच्ची। तो अगर मैं उनको ये बताऊं कि एक बच्ची है वो बहुत पढ़ी लिखी शरीफ और आपके नस्लों को संवार देगी, इनके बाप के पास पैसे नहीं, कहती फिर बाद में सोचेंगे। तो जब तक बेटे वाले अपनी सोच, और इतना खुदा ने पहले ही दिया हुआ, पता नहीं उसकी अमारात बनानी है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। खुदारा मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। इतनी अपने अब, और अब मैं फिर बेटी वालों को बोलूंगी अपनी बेटियों को इतना मजबूत करें कि ऐसे लोग भाग के पीछे। ठीक हो गया आमिना और सब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन हो रही है कि बेटियां जो हैं वो कितनी बड़ी नेमत हैं और हमने क्यों उनको इस तरह से समझा हुआ है। इस पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जागो लाहौर।